देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र में किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर प्याज के दाम में गिरावट जारी है। अहमदनगर जिले में इसके दाम में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ की मंडी में प्याज का सिर्फ 400 रुपये प्रति क्विंटल दाम रह गया है, जबकि मॉडल प्राइस 1975 रुपये क्विंटल पर आ गया है। यह दाम 26 नवंबर को था, जब मार्केट में 2370 क्विंटल प्याज की आवक हुई थी। सवाल ये है कि अगर ऐसा ही रहा तो 2022 तक किसानों की आय डबल करने का सपना कैसे पूरा होगा, जबकि प्याज की खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। इस पर किसानों का कहना है कि इतनी तो उनकी लागत ही आ रही है, ऐसे में 32 से 35 रुपये प्रति किलो से कम बेचने पर उन्हें घाटा ही है। डीजल, कीटनाशक, खाद, खेत की जुताई और लेबर कॉस्ट, इन सब में भी वृद्धि हो रही है, जबकि किसान को उस हिसाब से प्याज का दाम नहीं मिल रहा है। ऐसे में इनकम डबल करने की बात तो दूर, किसानों के पहले जैसे हालात भी नहीं रह पाएंगे। उधर एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी में 26 नवंबर को 4500 क्विंटल प्याज की आवक हुई थी। यहां पर न्यूनतम दाम 600 जबकि मॉडल प्राइस 1750 रुपये प्रति क्विंटल रहा था। यह नासिक मंडी जिले में स्थित है, जहां महाराष्ट्र का लगभग 60% प्याज का उत्पादन होता है। कृषि कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि देश में प्याज का दाम तय करने में लासलगांव मंडी अहम भूमिका अदा करती है, क्योंकि यह सबसे बड़ा मार्केट है। वहीं महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का इस पर कहना है कि प्याज किसान काफी परेशान है। पहले तो बार बार बारिश आ रही है, उससे बार बार फसल खराब हो रही है। पहले प्रकृति ने मारा और अब दामों ने मारना शुरू किया है। ऐसा भी नहीं है कि इसकी बंपर आवक है, सरकार की नीतियां भी समझ में नहीं आ रही है। प्याज किसानों का क्या करना है, इसका कोई रोड मैप नहीं बनाया। यह महाराष्ट्र की मुख्य फसल है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकारी खरीद नैफेड को हम 30 रुपये मिनिमम मांग की थी, लेकिन वो राजी नहीं हुए। भारत दिगोले आगे कहते हैं कि सरकार अपनी किसी भी एजेंसी से प्रति क्विंटल प्याज की लागत निकलवा ले और उस पर 50% मुनाफा जोड़कर इसका एक दाम तय कर दे, ताकि किसानों को नुकसान ना हो, वरना किसान परेशान होते रहेंगे। उनका कहना है कि यह बहुत ही दुखद है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज तक प्याज को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनी, जबकि देश के बड़े हिस्से में प्याज की खेती होती है। महाराष्ट्र के तो ज़्यादातर किसान प्याज की खेती पर ही निर्भर है। अगर प्याज का सही दाम नहीं मिलेगा तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, इससे सरकार आयात पर निर्भर हो जाएगी। ऐसा होना ना सिर्फ किसानों बल्कि देश की इकोनॉमी के साथ भी अच्छा नहीं होगा। प्याज एक ऐसी फसल है जिसमें दूसरी फसलों के मुकाबले ज़्यादा लोगों का रोजगार मिलता है, इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। प्याज के लाखों मजदूर लगे हुए हैं, उन्हें पूरे साल काम मिलता है। रेट अच्छा रहेगा तभी आगे खेती भी अच्छी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।